हेलो एवरीवन, नमस्ते कुलुम्बाई, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे एंड फिलहाल मैं भी बढ़िया हूँ। एंड गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम हो चुका है एंड अभी तो फिलहाल बारिश हो रहा है। आप लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बारिश हो रहा है। इतना गर्मी के बाद धूप के बाद अभी बारिश हो रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग क्या क्या कर रहे हो इस बारिश के मौसम में, क्या क्या खा रहे हो बताइएगा ज़रूर। एंड पकौड़ा एंड चाय खाने के लिए मन करता है इस बारिश के वक्त में, है ना फ्रेंड्स? बाहर तो नहीं निकल सकते। तो यश, आप लोगों के सामने दोबारा से आ गई हूँ एक वीडियो लेके। मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, अभी बारिश का वक्त है, जल्दी बना के रखना पड़ता है, लाइट वगैरह चले जाता है इसलिए फ्रेंड्स। एंड यस, ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पकाते हैं। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो मैं पकाऊँगी, क्या पकाऊँगी दिखाऊँगी। एंड यस, चलिए पकाते हैं, चलो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स ये रहा मशरूम। यस फ्रेंड्स, मैं आज मशरूम बनाने वाली हूँ एंड इसको ड्राई फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। एंड सब कुछ रेडी है, अभी सिर्फ बनाने को है। चलिए बनाते हैं जल्दी से, ये साफ करके धो के रख दिया है पहले से मम्मी ने, तो चलिए। तो फ्रेंड्स मशरूम मेरा थोड़े देर में पूरी तरह से पकने वाला है। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी देके फ्राई कर लिया दो बार एंड उसके बाद अभी लास्ट में तीन बार में इसको मैं ज़्यादा पकने वाला पानी दूंगी, मतलब ज़्यादा दूंगी। एंड यहाँ पे जो जो कुछ डालना है स्वाद अनुसार, नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह, मसाला वसाला दे दिया। एंड आप लोगों को तो पता ही, मैं ज़्यादा मसाला नहीं देती, सब सिंपल बनाती हूँ। एंड अभी ये
इसमें मैंने अभी लास्ट पानी डालूँगी, पकने वाला पानी, तो इसके बाद ढक के रखेंगे, इसके बाद यस खाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी पकने के बाद मैं तो खाऊंगी ही। एंड यस आज का वीडियो बस यही पर समाप्त करती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। एंड आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, एंड आज के लिए टाटा।